हाँ, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो देखते हैं हम लोग। जैसे उसने बोला कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड न्यू निकालना है, और इट हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रख रहा है? हाँ, दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब जो ए बी सी हम लोग लेने आ रहे हैं, यहाँ पे जो ए बी सी लिए, अब ये क्या है? पार्ट नाउ के ऑप्शन है, क्या है? वो बोलेगा कि लैम्डा की वैल्यू 3 थी और न्यू की वैल्यू 10 नहीं थी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है और न्यू की वैल्यू 10 है, लैम्डा की वैल्यू 3 है और न्यू की वैल्यू 10 है, लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है और न्यू की वैल्यू 10 नहीं है, ठीक है। ओके, और इन्हीं ऑप्शन से सारे इस सारे ऑप्शन इन ऑप्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं ऑप्शन से सारे क्वेश्चन अब लगने वाले हैं, ठीक है। दोबारा फिर से हम लोग वही मैट्रिक्स जो लास्ट में आई थी उसको लिख लेते हैं, ठीक, कि वहीं से सारी चीज़ें चेंज होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्या किया पूरी मैट्रिक्स में, मतलब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है निमसेट या कोई एग्जाम में, ये इस टाइप का यही क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपने पूरी मैट्रिक्स में कमीनापन किया और केवल ये क्वेश्चन कर लिया तो आप रैंक भी निकाल ले जाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। कभी भी आप रिवाइज करिए तो इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बस आइगन वैल्यूज देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, पहली रो में क्या था? 1 1 1 और 6, 0 1 2 4, 0 0 लैम्डा माइनस 3 न्यू माइनस 10, ठीक है। हाँ, यहाँ पे न्यू था। ऑप्शन देखिए तो ध्यान दें तो लैम्डा माइनस लैम्डा 3 और न्यू 10 इन्हीं पे डिस्कशन है, यानी कि इनको या तो हटना है या रहना है, ठीक है। ओके, एक बात और रिमाइंड करें, इसको हम ए मैट्रिक्स बोल रहे हैं या सी? हाँ, ये सी मैट्रिक्स है। तो हमने आपको बताया था कि रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर होनी चाहिए जब सॉल्यूशन हो, ठीक है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में तो सॉल्यूशन है, ठीक है। पहली बात कि रैंक ए और रैंक सी की क्या है, बराबर होने चाहिए। अब ये फर्दर आगे बढ़ के बराबर हो जाती है नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो जाती है। अगर अननोन्स के बराबर हो गए दैट इज़ 3, मतलब अगर 3 क्रॉस किए 3 के तो 3 या n, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अदरवाइज क्या होगा? अब अदरवाइज का मतलब समझते हैं कि बराबर नहीं है, ये बराबर है और अननोन के बराबर नहीं है, तो उससे कम ही होगा, तो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? और इसके अदरवाइज, अब इसके अदरवाइज समझते ही आप क्या है, बराबर है तो उसके अदरवाइज क्या होगा? बराबर नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। हम इसको ब्रीफ में इसलिए कर रहे हैं कि पूरा पूरा इस पर लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है। बट एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप अगर आप रिवीजन पे हैं, पूरी मैट्रिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के रिवाइज कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर होनी चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड के बराबर 3 के बराबर हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन, 3 से कम हुई तभी बराबर है, तो मैनी सॉल्यूशन। अगर ये दोनों बराबर हुए ही नहीं तो, अगर अभी हम देखें जैसे हम लोग देखते हैं तो ये मैट्रिक्स ए है, क्या है? तो हमें ये रैंक देखें, 0 रो को काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं? हाँ, तो 0 रो वो होती है सारे एलिमेंट 0 हो, क्या हो? सारे एलिमेंट 0 हो। तो यहाँ पर नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, और ये भी आपको नॉन जीरो दिख रही, क्या दिख रही? जबकि हम आपको बताते चले कि जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, लैम्डा पे डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? अगर लैम्डा की वैल्यू 3 रख दी 0 हो जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं रखी तो नॉन जीरो रहेगी। अब हमें रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर करनी है सॉल्यूशन निकालने के लिए, करनी कि नहीं करनी? दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका ये है कि 1 1 1 6, 0 1 2 4, 0 0 0 और 0 कर दिया। ओके, एक तरीके से ये बराबर हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? देखिए चेंजेस जो होंगे वो यहाँ तो अब चेंज होने वाले नहीं, इन एलिमेंट्स में कोई चेंज अब नहीं होने वाला है। बोलिए, जो भी आप चेंज कर सकते हो किसको? इन्हीं दो को चेंज कर सकते हो कि नहीं? तो दोनों को हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अभी जीरो कब किया? जब लैम्डा की वैल्यू 3 रखी और लैम्डा की वैल्यू 10 रखी, तभी तो हुआ। ओके, एक बार हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ दिखा दें। हमने क्या किया, 1 1 1 6 और 0 1 2 4 और 0 0, यहाँ पे हमने कर दिया मान लो सपोज 1,
और यहाँ पे कर दिया टू, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब लेमडा माइनस थ्री बराबर क्या कर दिया हमने, वन, तो लेमडा की वैल्यू क्या रखी, फोर, और लेमडा माइनस टेन बराबर क्या कर दिया, टू, तो लेमडा की वैल्यू क्या रखी, ट्वेल्व, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी रखी, फोर, मतलब लेमडा की वैल्यू फोर के लिए ऑप्शन है, उसने बोला लेमडा की वैल्यू तो थ्री है या नहीं है, तो ये लेमडा की वैल्यू फोर है, तो लेमडा की वैल्यू फोर लेने पर इसको क्या बोलेंगे, थ्री नहीं है, जैसा ऑप्शन मांगा गया, थ्री ऑप्शन में उसने बोला कि लेमडा की वैल्यू थ्री रखो या ना रखो, यही तो बनाया, न्यू की वैल्यू दस रखिए या ना रखिए, तो आपने कहा चार रखिए, इसका क्या मतलब, कंक्लूजन क्या निकल गया है कि लेमडा तीन नहीं रखा और न्यू बार बार भूल जा रहे हैं, हाँ यहाँ पे न्यू, न्यू की वैल्यू क्या रखी, 12, तो इसका मतलब क्या है, 10 नहीं है, ठीक। लैम्डा 3 है, ये क्या हो गया, लैम्डा 3 है और न्यू 10 है, लैम्डा 3 नहीं है, न्यू 10 नहीं है, दो ये केस ऐसे हैं जहाँ पे रैंक ए और रैंक सी की बराबर है, देखिए बराबर है कि नहीं, रैंक ऑफ ए कितनी है, 2, और रैंक ऑफ सी कितनी है, ये पूरी मैट्रिक्स सी है और ये पूरे मैट्रिक्स क्या है, ए है, तो ए की रैंक कितनी है और सी की रैंक कितनी है, यहाँ पे देखिए ए की रैंक कितनी है और सी की रैंक कितनी है, हाँ तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर है, यानी सोल्यूशन इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे, दोनों केस में निकलेंगे नहीं, पर इस केस और इसके में थोड़ा अंतर है, ये केस कौन सा वाला केस है, बोलो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर है और वो किसके बराबर है, इसकी रैंक है कितनी, यहाँ पे तीन है ना, अननोन भी कितने हैं, एक्स वाई जेड, अननोन कितने एक्स वाई जेड, तो ये इस केस में क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, समझा कि नहीं, अगर ऐसा है, ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर हो जाएगी और वो किसके बराबर है, अननोन के बराबर, और जब ऐसा होता है तो यूनिक आ जाते हैं, तो यूनिक के लिए ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रैंक ऑफ ए बराबर किसके है, रैंक ऑफ सी के, और जो छोटा है किससे, अननोन से, बोलो, नंबर ऑफ अननोन से छोटा है क्योंकि दो ही है, रैंक कितनी है, तो यहाँ पे कितना, इसके लिए इस वजह से कितना आंसर आएगा, मैनी सॉल्यूशन, क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, ओके। अब इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा आपको, नो सॉल्यूशन, हो रहा है कि नहीं, कुछ भी का मतलब क्या, लैम्डा थ्री नहीं है, लैम्डा टेन नहीं है, एक साथ हुआ, लैम्डा थ्री है, लैम्डा टेन नहीं है, एक साथ हुआ, तो इसके अलावा क्या होगा, लैम्डा थ्री है और न्यू टेन नहीं है, यही तो होगा, या लैम्डा थ्री नहीं है और न्यू टेन होगा, यही तो हो गए, तो ये दो सॉल्यूशन क्या देंगे, नो सॉल्यूशन, क्या देंगे, चार पॉसिबिलिटी हैं, उनमें से दो पॉसिबिलिटी किसको इम्प्लाइज करती हैं, नो सॉल्यूशन के लिए, ये किसको इम्प्लाइज करती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये किसको करती है, मैनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बार बार समझाएंगे तो ज़्यादा समझाने से ये समझ नहीं आएगा कि क्या समझाया गया और क्या नहीं, ठीक है। तो फाइनल है, इसको आप नोट कर लीजिए, पूरी लेक्चर का ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कंक्लूजन है, ठीक। जब भी मैं खुद अपने टाइम पर रिवाइज करता था, इस क्वेश्चन को रिवाइज करता था, इसी से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता था, ठीक है। इसको एक बार और एक बार देख लें, थोड़ा सा अपडेट, जो लास्ट में हमने बताया था, कह सकते हैं उसको गलत है, वो कहाँ पर गलत हुआ, लैम्डा की वैल्यू थ्री और टेन रखा तो ये सिचुएशन आ गई, तो बताया गया था कि इसमें रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए जो है वो टू है और रैंक ऑफ सी क्या है, टू है, और नंबर ऑफ अननोन जो है, अननोन कितने हैं, थ्री हैं, तो ये वाली कंडीशन मैनी सॉल्यूशन वाली बनती है। अब देखो बार बार उसको थ्योरी नहीं बताई जाएगी, वो आप देखें, ठीक। यहाँ पर देखिए, हमने जब यहाँ पर रखा तो जब ए बी लिए हैं तो मान चल रहे हैं कि ए बी जीरो नहीं है और कोई, अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू थ्री नहीं ली गई और दस नहीं ली गई, तो आप पता नहीं क्या लें, जो भी आप तीन और दस के अलावा कुछ भी ले सकते हैं ना आप, तो जो भी सिचुएशन बनी गई वो इतना आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर सपोज चार ले लिया तो एक आ जाएगा, अगर यहाँ तेरह ले लिया तो तीन आ जाएगा, तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं जो जीरो नहीं है, तो अब रैंक ऑफ ए कितनी है, हाँ रैंक ऑफ ए थ्री है और रैंक ऑफ सी कितनी है, वो भी थ्री है, वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है कि नहीं, तो ये कंडीशन यूनिक ही होती है, क्या आ जाती है। अब यहाँ पे देखें लैम्डा की वैल्यू थ्री नहीं ली और न्यू की वैल्यू टेन ले ली, तो देखिए ये यहाँ पर ये नॉन जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। अब रैंक ऑफ ए देखेंगे तो रैंक ऑफ ए देखिए कितना आया,
थ्री है। और रैंक ऑफ सी देखेंगे, देखो ये ना हटने की वजह से ये भी नॉन जीरो रो हो गई, तो इसकी भी रैंक कितनी है, थ्री है। तो इन दोनों केस में, ये वाले केस और ये वाले केस में क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इम्प्लाइज हुआ, यहाँ पर दोनों में क्या इम्प्लाइज हुआ कि लैम्डा की वैल्यू 10 हो या ना हो, फर्क कौन डाला, मतलब म्यू की वैल्यू 10 हो या ना हो, फर्क कौन डाला, हाँ तो उसने ये बोला था कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और न्यू बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, हमेशा रैंक क्या आ जाएगी, यूनिक हो जाएगा ना। जब भी अगर लैम्डा की वैल्यू अगर 3 नहीं रखी, ठीक है, न्यू की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए अब आप, ठीक, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लैम्डा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लैम्डा, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैंक यूनिक है तो किस पे डिपेंडेंट है, तो न्यू से इंडिपेंडेंट है और लैम्डा से डिपेंडेंट है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ये 3 नहीं होनी चाहिए, ओके। और फिर ये वाला केस जो बचा हुआ है, इस वाले केस में देखिए ए की रैंक कितनी है, 2, और सी, और सी की रैंक कितनी है, 3, तो ए की रैंक 2 है और सी की रैंक कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 2 और 3 है तो रैंक बराबर नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, ठीक, ओके, बोलिए समझ रहे कि नहीं, हाँ, तो ये सारे केसेस, तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन का आंसर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखें, ये चारों केस आपको सही से बताए गए, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉपिक को पूरा मेरी तरफ से, मेरे एंड से जो भी आपको प्रोवाइड किया गया वो कंप्लीट है, अब उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस को। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे आइगन वैल्यूज़, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते बट कुछ क्वेश्चंस आइगन वैल्यूज़ के, आइगन वेक्टर्स के आते हैं, तो आइगन वैल्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, अभी हमने यहाँ पे जो भी यहाँ तक लास्ट तक लाए हैं तो कहीं पर भी हमने आइगन वैल्यूज़ का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, कहीं पर भी आइगन वैल्यूज़ के बारे में कोई भी चीज़ों को बताया नहीं गया है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आइगन वैल्यूज़ का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशंस, फिर उनको सॉल्व करने के बाद उनके रूट्स, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, क्या हैं, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके बाद वो क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो सबसे पहले अब ये टर्म जो है इक्वेशन से ना जुड़ा हुआ, मैट्रिक्स में जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो हमें आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इस मैट्रिक्स के चाहिए, ओके, कि इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, ऐसे बताएगा कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस गिवन मैट्रिक्स, समझ आई बात की नहीं, निकालेंगे ऐसे, तो हम लोग ए माइनस लेमडा आई करेंगे, आई मतलब आइडेंटिटी जो यहाँ दिखाई गई है, अगर ये 3x3 की है तो आइडेंटिटी भी 3x3 की लेंगे, 3 ऑर्डर की, अगर 4 ऑर्डर की है तो 4 ऑर्डर की लेंगे, उसमें लेमडा मल्टीप्लाई करने से कैसे क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स बन गई, क्या बन गई, क्योंकि जब भी किसी नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 0 0 0 वाली एंट्री से होगा तो 0 बन जाएंगे, तो लैम्डा लैम्डा यहाँ आ जाएगा, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटते हैं, तो जब भी कोई नंबर से 0 घटेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, चेंजमेंट कहाँ आया, डायगनल एलिमेंट में, कहाँ आया, सारे इसके डायगनल एलिमेंट लैम्डा से सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मैट्रिक्स दी गई है सपोज 2 3 4 1 2 5 2 1 2, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा ही लिखना है, तो आप जान ही गए होंगे, लिख लेंगे 2 माइनस लैम्डा 3 4 1 2 माइनस लैम्डा 5 और 2 1 2 माइनस लैम्डा, ओके। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमने यहाँ बराबर ले लिया, अगर यहाँ 3 ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा इंटेंशन समझ रहे कि नहीं, हमारा इंटेंशन ये नहीं कि डायगनल में एंट्रीज बराबर हो, हमारा इंटेंशन है कि डायगनल की एंट्रीज ही इफेक्टेड होंगी, क्या होंगी, बाकी एज इट इज़ रहेंगी, डायगनल एलिमेंट्स लैम्डा से घट जाएंगे। अब इस मैट्रिक्स को बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स ली है या जो मैट्रिक्स यहाँ पे ली है उसको जब डिटरमिनेंट बना देंगे, क्या बना देंगे, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, क्या है, या एक्सप्रेशन है, डिटरमिनेंट वैल्यू है या एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, नॉट अ अरेंजमेंट, मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग
मतलब इसका इससे एसोसिएशन है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग हर स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। तो हमने जो मैट्रिक्स ली थी उसका डिटरमिनेंट बना दिया। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन आपको सिखाया गया कि आप जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर पाएंगे नहीं, जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा में एक पॉलिनोमियल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लैम्डा में क्या आ गई, देखिए एक्स में जैसे हमारी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आती है तो इसमें लैम्डा में क्यूबिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है इन लैम्डा, इसी को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या बोल सकते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ दिखाया गया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो उसी पॉलिनोमियल को जो एफ ऑफ लैम्डा मान लो सपोज ये आया है, तो एफ ऑफ लैम्डा को क्या कर दिया गया, ज़ीरो कर दिया गया, उस एफ ऑफ लैम्डा को ज़ीरो कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, अब इसके रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, क्या रूट्स होंगे, जो फैक्टर पहले फैक्टर फॉर्म में लिखोगे, फिर लैम्डा की जो वैल्यूज़ निकालोगे, तो वैल्यूज ऑफ लैम्डा विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करेगी वो वैल्यूज ऑफ लैम्डा ही क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, क्या होंगे, और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ही क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज। तो आपको ये प्रोसीजर है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी, वही लैम्डा की वैल्यूज क्या बनेंगी, आइगन वैल्यूज, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, कर लीजिए सॉल्व, आई बात समझ गए नहीं, हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हमने ली थी, जो सब सारे स्टेप्स या सारी डेफिनेशन बताई थी, अब उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हमें समझना था कि है क्या वो, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई का मॉड मतलब डिटरमिनेंट बनाएंगे और सीधे क्या कर देंगे, जीरो, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। अब हमें इसके फैक्टर या रूट्स निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर टारगेट करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट पर टारगेट करते हैं, कैसे फैक्टर निकालेंगे, कैसे रूट्स निकालते हैं, ये ध्यान देना है। तो जो भी है लास्ट में हो, ठीक है, लास्ट में जैसे फाइव है, तो आप वन इंटू फाइव इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर करिए, फैक्टर का मतलब इन टर्म ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर हमेशा किस चीज में आज माने जाते हैं, इन टर्म प्राइम नंबर, मतलब वन टू थ्री फोर में नहीं, वन टू थ्री फाइव सेवन, ठीक है, एलेवन, ऐसे। तो अभी आपने फाइव के फैक्टर किए, तो वन इंटू फाइव आए, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस फाइव, कहने का मतलब वन माइनस वन फाइव माइनस फाइव, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, ठीक, जैसा कि एक्स क्यू माइनस, ठीक, जैसे सपोज है कि हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एम माइनस सिक्स बराबर जीरो, ठीक, इसके देखते हैं जिससे कि आप एक बार प्रोसेस को समझ पाएँ, ठीक, क्यूबिक का फैक्टर करना या क्यूबिक के रूट्स निकालना क्वाइट टफ है क्वाड्रेटिक के कंपैरिजन में, ठीक, हमने बोला कि लास्ट वाले टर्म पे आप ध्यान दीजिए, क्या है, सिक्स, अब इसका मल्टीप्लाई फैक्टर निकालेंगे तो वन टू टू थ्री आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, इसका ये मतलब है कि प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री में कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाइड करने वाली है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक, जैसे यहाँ पे देखते हैं तो वन रख के देखें तो वन माइनस सेवन प्लस इलेवन माइनस फाइव, तो सेवन माइनस फाइव क्या आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू वन रखिए, रखिए तो वन माइनस सेवन प्लस इलेवन माइनस फाइव, तो यहाँ पे ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व क्या आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू टू एक्स की वैल्यू टू रख देते हैं, क्या रखते हैं, टू रख के देखें, टू रखिए तो कितना आया, एट माइनस चौबीस प्लस ट्वेंटी टू माइनस सिक्स, देखिए कितना आया, थर्टी माइनस थर्टी जीरो आया, तो यहाँ ये सेटिस्फाइड किया, यहाँ ये हमने बोला कि ऐसी तीन वैल्यूज होंगी, कितनी होंगी, उनमें से हमने एक को सेटिस्फाइड करके देख लिया, तीनों को सेटिस्फाइड नहीं करना, क्योंकि क्यूबिक है तो कितनी वैल्यूज होंगी, थ्री, क्वाड्रेटिक होती तो टू, जितने डिग्री की होगी उतनी वैल्यू सेटिस्फाइड करें, मगर उसमें से सबसे पहले आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी जो सेटिस्फाइड करे इजीली। आप अगर ऐसे आ गया तो देखिए क्या करने के हम लोग करने वाले हैं, हम इसको लैम्डा बराबर वन आया सेटिस्फाइड, तो लैम्डा माइनस वन को थ्री टाइम्स लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे,
यदि जैसे वहां x माइनस टू आया तो x माइनस टू, एक्स माइनस टू और x माइनस टू को कितने बार लिखते है? अगर x बराबर माइनस टू आता तो क्या लिखते है? x प्लस टू, x प्लस टू, x प्लस टू, समझ रहे कि नहीं? ये आने पर ये लिखते, x बराबर दो आने पर क्या ये लिखा, और लेमडा बराबर वन आने पर क्या लिखा ये लिखा, समझे कि नहीं? ओके, ये इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आप एक चीज को करके बाकी सारी चीजें कर पाए। तो इतना आने पर तीन बार ऐसे लिखेंगे, तीन बार ऐसे लिखेंगे, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक होते तो कितने बार लिखते हैं? दो बार। चार डिग्री होते तो कितने बार? चार बार, ठीक है। आप लेमडा वाला वन है तो लेमडा माइनस वन, और लेमडा वाला माइनस वन है तो ये कर लेंगे कि नहीं? आप बैलेंसिंग करेंगे, इसको ध्यान देते रहें, इसको हम पास में लिख लेते हैं, लेमडा क्यूब माइनस सेवन लेमडा स्क्वायर प्लस एलेवन लेमडा और माइनस फाइव बराबर जीरो। बिल्कुल ध्यान से देखें, जो पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, मगर वो सीख जाएंगे तो सहज है, सरल है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर निकालते फिर डिवाइड करते थे, क्या करते थे, तो लंबा प्रोसीजर था। यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, लेमडा क्यू। मतलब लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से माइनस लेमडा स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, जबकि माइनस सेवन लेमडा स्क्वायर चाहिए, एक माइनस लेमडा स्क्वायर बना, तो अभी हमें कितना चाहिए, माइनस सेवन लेमडा स्क्वायर, तो कितना माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर चाहिए, माइनस सेवन लेमडा स्क्वायर है, बना कितना मेरा, तो माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर कम है, तो उसको बनाने के लिए माइनस सिक्स लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर और माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस सेवन लेमडा स्क्वायर हो गया, दो टर्म हमारे बैलेंस हो चुके हैं। आगे देखें, प्लस सिक्स लेमडा हुआ, चाहिए कितना पॉजिटिव का, और पॉजिटिव बन रहा है तो फाइव लेमडा भी कम है, तो प्लस फाइव कर दें, तो लेमडा माइनस वन का कॉमन ले लिया, लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा प्लस फाइव बराबर जीरो कर दिया, तो लेमडा माइनस वन और इसके फैक्टर करें क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस फाइव और लेमडा माइनस वन, ठीक। तो लेमडा बराबर वन कामा फाइव, ये हमारी आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, आइगन वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ लेमडा विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज, क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको नाम दिया गया आइगन रूट वैल्यूज, ठीक। तो नाम थोड़ा अच्छा है तो क्वेश्चन भी आपको लगता है अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, स्टफ नहीं है। हाँ आते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है आगे, हायर मैथमेटिक्स में इसका बहुत रोल है इसीलिए, और अभी बताएंगे भी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। हाँ, अगर किसी को क्यूबिक इक्वेशन नहीं आ रही बनाना, तो उस पर एक बार चर्चा और कर लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस एलेवन एक्स माइनस सिक्स, इसको हमने लिया तो हमने देखा था कि x बराबर टू रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं, तो हम थ्री टाइम्स रखेंगे x माइनस टू, एक्स माइनस टू और x माइनस टू। एक बात और ध्यान रखिए कि क्यूबिक इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आसान नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसी क्यूबिक इक्वेशन आप लेके आएँ जो वैल्यू सेटिस्फाइड ना करें, मगर क्वेश्चन में जब भी आएंगी तो बहुत ही सिंपल होंगी, और जब आप रखे देखेंगे हिट एंड ट्रायल तो आसानी से वो मिल जाएंगे, क्योंकि उनको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं दिया जा रहा, यहाँ बीच में क्या एक स्टेप है, ओके। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन उठा के मेरे पास आते हैं, इसको आप कराइए, तो उसमें वो चीज़ नहीं अप्लाई हो रही, तो ऐसा वहाँ पर कभी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देखो, सिंपली आपने दो को रखा था, मिल गया था कि नहीं, ऐसा तो यहाँ पे वन रखा मिल गया कि नहीं, तो ऐसे ही मिलेंगी। अब देखिए एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, तो एक्स क्यूब बना, एक्स्ट्रा क्या बन गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर बना, जबकि चाहिए कितना, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर की कमी है कि नहीं, तो माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स स्क्वायर बैलेंस किया क्या, आगे क्या बना दिया, एट एक्स, जबकि है कितना एलेवन, तो थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थ्री एक्स माइनस सिक्स बन गया, मतलब पूरा बैलेंस हुआ कि नहीं। जब आप देखिए, जो भी एक बार देख रहा हो तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, जब करके देखा तभी समझ में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा, इसको करोगे और इसको करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको करोगे और इसको करोगे तो ये मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक ये भी सेट हो जाएगा।
अगर वो रखने पर सेटिस्फाइड हुआ है तो आराम से ये सेट होगा। x माइनस टू कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसके फैक्टर आप जानते ही हैं कि x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक। तो तीनों आ गए फैक्टर रूट, उसके रूट्स आ गए। बोलिए, नहीं आए, ठीक। तो अगर ऐसी पॉलिनोमियल होती तो करैक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते, वन टू थ्री, ठीक है, या वन वन फाइव। रिपीट कर